हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लहंगे के लिए अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं। डबल कलर की पोशाक है तो डबल कलर का अस्तर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं लहंगा किस तरीके का है। अस्तर वाली प्योर की पोशाक है, इनमें 12 कलियाँ आती है। डबल कलर की पोशाक है तो इनमें अस्तर भी 2 कलर के आने वाले हैं। कलियाँ 12 एक साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, साथ में चार चार कलियाँ आती है। ये देखिए 4 4 8 और ये 4 12। अब जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का हमें अस्तर भी साथ में ऐड करना है। 2 कलर का है तो 2 अस्तर होंगे इनमें। इसके साथ ही मगजी आती है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो ऊपर वाले फैब्रिक है उसकी कलियां लेनी है। इनको इस तरीके से रखना है और बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना और कलियों को बराबर रखना है। इनकी लंबाई में कलियां दोनों जो बराबर आनी चाहिए, दोनों साइड की जो कलियां है वो बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर ना हो तो आप दूसरी वाली कलिया ले और फिर नाप ले। ये देखिए बराबर आ रही है तो हम इन्हें साथ में जॉइंट कर देंगे। अब हमें इन्हें जॉइंट किस तरीके से करना है, नीचे से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। नीचे जो बॉर्डर बना हुआ है उसे बराबर मिला दें आप। कपड़ा चाहे छोटा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉर्डर जो है वो बराबर मिलना चाहिए। और अब इतनी दूरी पर आप सिलाई लगाएं कि वर्क के ऊपर ना आए, उसके पास पास में आप सिलाई लगाते हुए चले। कोई कुंदन वगैरह हो तो आप हटा ले वरना सुई टूट सकती है। ज्यादा कम कपड़ा भी आप सिलाई में न ले वरना कपड़ा बाहर आ जाता है। फिर पूरी कली में ऊपर तक सिलाई लगा ले। अब दूसरी वाली कलियों को भी इसी तरह जोड़ ले। अब जो हमने ऊपर वाला फैब्रिक है, ऊपर वाला जो लहंगा है उसे डबल फोल्ड करना है, इस तरीके से बिछाना है। और अब हमें अस्तर लेना है। जिस कलर का ज़्यादा कलर है उस कलर का आपको अस्तर लेना है। जो कलर ज़्यादा है वो आपको उसी कलर का अस्तर लेना है। और अब इस घेरे के बराबर आप नाप लीजिए कि अस्तर कितना हो रहा है। आधे घेरे के बराबर हमें अस्तर को नाप लेना है। उतना अस्तर हमें लेना है और इसको ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। ऊपर की ओर फोल्ड करने के बाद देखिए हमें क्या करना है। ऊपर वाला जो अस्तर है ऊपर की ओर, उससे हमें इस तरीके से तिरछा करना है। जिस तरीके से हम कलियों की कटिंग करते हैं उस तरीके से इस अस्तर को हमें करना है। इसको आप ऊपर की ओर ले जाइए ताकि ये तिरछा हो जाए एक साइड से। और अब एक साइड से इसे कटिंग कर ले। इसमें मैं अलग तरीका बताऊंगी लहंगे में अस्तर ऐड करने का। अस्तर जो वो ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से ऊपर वाले फैब्रिक से जुड़ा हुआ होगा, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होगा। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम कलिया जोड़ते हैं उसी तरीके से इसे जोड़ लेना है। इसको उल्टा करना है, यानी कि ऑपोजिट साइड कर देनी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से बराबर आए, इस तरीके से बिछा लेना हमें। जिस तरह से हमने कटिंग किया था उसे आप उल्टा कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। अब इसकी एक साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमने कटिंग किया था वहाँ पर सिलाई लगानी है। इन दोनों को इस तरीके से रखिए कि नीचे वाला जो अस्तर है वो थोड़ा सा ऊपर वाले से बड़ा रहे, ताकि उसे हम बाद में फोल्ड कर देंगे। अब इसमें आधा आधा इंच लगभग कपड़ा लेते हुए सिलाई लगा दें। पूरी सिलाई लगा दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था नीचे वाले अस्तर में उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर दें और इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा दें। धागा आप कपड़े के मैचिंग का यूज़ में लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा पतला होता है तो उसमें बाहर की ओर दिखाई देगी, फिर अलग कलर का धागा अगर आपने लिया तो। इसे अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए, आप चाहो तो सुई का मदद ले सकते हो। अब इसे एकदम सिंगल बिछा दें।
अब हमें इसमें दूसरे कलर का अस्तर भी ऐड करना है। पहले आप ऊपर वाला जो लहंगा है हमारा उसे आप बिछा लीजिए अस्तर के ऊपर, और जितना हमें अस्तर लगेगा, जितना मतलब कि लहंगे में घेर है उसके बराबर आप अस्तर ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा ही रखें, छोटा न ले ऊपर वाले लहंगे से। बाकी कपड़े को अलग कर दीजिए। अब इसे वापस से उठा लीजिए आधा, थोड़े पूरे लहंगे को अलग कर दीजिए। अब जो अलग कलर का अस्तर हमें ऐड करना है उसे लीजिए और लहंगे पर पूरी तरीके से आधी दूरी में पूरी तरीके से बिछा दीजिए, नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से बराबर कर लें। जो किनारी है दोनों अस्तर की वो बराबर मिला दीजिए। अब ऊपर वाला जो लहंगा है हमारा वो लीजिए, ये देखिए नीचे वाला जहाँ तक अस्तर है वहाँ तक इस लहंगे को बिछाइए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए बिछाना, और नीचे से लगभग इतनी जगह रखिएगा कि हम मगजी लगा सकें, लगभग 1 या 1.5 इंच जगह रख दीजिएगा आप वहाँ। अब क्या करना है, जितना दूसरे कलर का बॉर्डर बना हुआ है अलग कलर का उस पर आप चौक की मदद से लाइन बना ले, इतना हमें अलग कलर का अस्तर ऐड करना है। जिस तरह से वो अलग कलर का अस्तर है उसी जिस तरह की वो डिज़ाइन है उसी तरीके से आप एक लाइन बना लीजिए। पहले हम आधी दूरी में अस्तर ऐड करेंगे, फिर आधी दूरी में बाद में अस्तर ऐड करेंगे। ये देखिए जितना अलग कलर का बॉर्डर बना हुआ था वो मैंने ड्रॉ कर लिया है इस कपड़े पर। अब जो हमने लाइन बनाई है उसे आप कटिंग कर लें। ये देखिए जिस तरीके से अलग कलर का बना हुआ था उसी तरीके से कटिंग हुआ है। अब दूसरी साइड भी हमें यही करना है। अस्तर को पहले आप बिछा दें इसके ऊपर बराबर, नीचे से किनारी बराबर कर लीजिए। आधा अस्तर हमने कटिंग कर लिया आधे लहंगे के लिए। अब आधा जो लहंगा है उसे भी आप इसी तरह बिछा दें, नीचे वाले अस्तर के बराबर रखें। और अब यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन बना लें जिस तरीके से ये बॉर्डर बना हुआ है। ये देखिए बॉर्डर की डिज़ाइन एक जैसी नहीं है, एकदम सीधी नहीं है, ऊपर नीचे है, तो हमें लाइन भी इसी तरह बनानी है ऊपर नीचे। देखिए यहाँ से ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो मैंने ऊपर की ओर लाइन बना ली है। अब इसे भी आप कटिंग कर लें जिस तरीके से आपने लाइन बनाई है। नीचे वाला अगर हम अस्तर ले रहे हैं तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है उससे थोड़ा ज्यादा ही लें। ये देखिए जिस तरह से बॉर्डर की डिजाइन है उसी तरह मैंने कपड़ा कटिंग करा है। आप इसके ऊपर ऊपर वाला लहंगा बिछा कर देख सकते हैं।